आज के इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S23 प्लस के बारे में। इस फोन में वॉलपेपर चेंजिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आप वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको एक वॉलपेपर डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद उस फोटो में जाके आपको वॉलपेपर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हो जो आपके फ़ोन में ऑलरेडी वॉलपेपर पड़े हुए हैं उनको आप सेट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको आपके फ़ोन में स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। स्क्रीन पे जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे यहाँ पे आपको नीचे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थीम नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से टैप करके आप गैलेक्सी स्टोर से थीम वगैरह डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ अगर आपको वॉलपेपर चाहिए तो फिर यहाँ पे आप वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टैप करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहीं पे आपको चेंज वॉलपेपर नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको इस चेंज वॉलपेपर नाम के ऑप्शन पर टैप कर देना है और यहाँ पे जो भी फोटोज़ आपके फ़ोन में रहेंगे वो शो होगा और इसी के साथ साथ जो फोटोज़ आपके गैलरी में रहेगा वो भी शो होगा। अगर इनमें से किसी फोटो को आप वॉलपेपर बनाना चाहते हो तो सिंपली उस फोटो को टैप करना है। टैप करते ही यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन। अगर आप होम स्क्रीन पे लगाना चाहते हो तो होम स्क्रीन पे टैप करो, लॉक स्क्रीन पे लगाना चाहते हो तो लॉक स्क्रीन पे टैप करो, और अगर दोनों में लगाना चाहते हो दोनों में टैप करके इस नेक्स्ट पे टैप कर दो, ये वॉलपेपर आपका सेट हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत ही ईजिली आप वॉलपेपर सेट कर सकते हो। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना।